नमस्कार दोस्तों, आई गेस आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी। आप मुझे जल्दी से कंफर्म करके बता दीजिए आर वी लाइव और नॉट। और उसी के साथ हम शुरू करते हैं यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा सेशन। यस आई गेस वी आर लाइव। सबसे पहले शेयर कर दीजिए और अगर हम लाइव आ चुके हैं तो वेलकम एवरीवन। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, अगर आपको लगता है कि यस यू हैव द कैलिबर, नहीं लगता तो ट्राई करने में क्या जाता है, फ्री की चीज़ों को आप ट्राई कर सकते हो। 12 तारीख से डेली एक लकी विजेता आईपैड जीत सकता है एंड दिस इज फ्री टेस्ट फ्रॉम एन एकेडमी ओनली। तो प्रोडिजी के प्रैक्टिस टेस्ट शुरू हो रहे हैं 12 तारीख से और मेन बैटल ग्राउंड आपके लिए सज चुका है 24 जुलाई का। तो इतने दिन आपके लिए प्रैक्टिस टेस्ट होंगे और डेली एक जन फ्री जीतेगा आईपैड। तो देखते हैं लकी विनर कौन होने वाला है। और आपको बता दे रहा हूँ, नीचे एनरोलमेंट के लिए आपके पास दिया गया है कि आप डेली एनरोल कर लीजिए उसमें। एक दिन एनरोल करिए, डेली नोटिफिकेशन आएगा। नीचे आपको दिया गया लिंक डिस्क्रिप्शन में, चेक कर लीजिएगा वहां पे जाके। उसमें इनवाइट कोड सौरभ लाइव लगा के ताला खोल लीजिए, SOURAVLIV। और मेन बैटल ग्राउंड आपका 24 तारीख को है। तो याद रखिएगा उस दिन असली में, मतलब असली लड़ाई 24 को है, अगर आप 21 को टारगेट कर रहे हो तो। और अगर आप सोच रहे हो कि नहीं आपको टारगेट दूसरा है, तो आप ऑब्वियसली आप अपना टारगेट्स को यहाँ पे लॉक कर सकते हो। अगर 22 का टारगेट है या फिर 23 का, ठीक है, आपके लिए डेट्स अलग अलग है, 25 जुलाई। सो गाइस चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। आई गेस आपने शेयर कर दिया होगा नॉक्टर्नल मिशन। ओके, नॉक्टर्नल मिशन तो रात 12 बजे होती है। अभी आते हैं कुछ क्वेश्चंस पर, ठीक है। आइए, आपके स्क्रीन के सामने एक सवाल आ गया होगा शायद। आइए देखते हैं, हम लोग इसको थोड़ा सा नैरो कर देते हैं जिससे सबको दिखे यहाँ पे सवाल। ओके वेट अ सेकेंड। ओके आई गेस अभी फाइन है ना, ये स्लाइड दिख रही है ना आपको प्रॉपर? ओके हाँ जी प्रॉपर दिख रही है, आप मुझे कंफर्म कर दो बस, ठीक है, फिर शुरू कर पाएंगे बढ़िया से। ओके हाँ अभी प्रॉपर दिख रही है सबको, क्वेश्चंस आ चुके हैं। तो दिस इज द क्वेश्चन नंबर वन गाइस, और प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड रखा है मैंने, खोज खोज के एनसीईआरटी के क्वेश्चन लगाए हैं ओनली। आइए क्वेश्चन नंबर वन, क्या सवाल है? एक बॉटनिस्ट क्वेश्चन दिख रहा है आपको, थोड़ा ज़्यादा बड़ा हो गया शायद। वेट अ वेट वेट वेट, मैं ठीक कर देता हूँ इसको, ठीक है, जिससे कि आपको प्रॉपर व्यू आए। अभी प्रॉपर व्यू है क्या? आप मुझे एक बार कंफर्म कर देना। तो इसमें वैभव जी ने सबसे पहले आंसर दे दिया 1 का D, राइट? ओके 1 का D हो गया आंसर। तो यस 1 का D क्यों होगा, इसको भी डिस्कस कर लेंगे। वेट आप पहले ये बता दो मुझे, एक सेकेंड। हाँ अभी प्रॉपर है। तो पहला सवाल आपसे पूछा गया था कि एक बॉटनिस्ट है, उन्होंने डिस्कवर किया एक म्यूटेंट प्लांट जहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं बन रहा था। अब याद करिएगा एनसीईआरटी में लिखा गया कि जो एंडोडर्मिस है, ओके, जिसके जिसके पास कैस्पेरियन स्ट्रिप है, दैट एक्ट एज ए चेक पॉइंट। याद आ रहा है, दैट एक्ट एज ए चेक पॉइंट। तो ऑब्वियसली वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा अमाउंट और क्वालिटी। तो आंसर विल बी नंबर D, एनसीईआरटी में लिखा गया है। ओके नाउ क्वेश्चन नंबर टू की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर टू आपके स्क्रीन के सामने आ गया, आइए देखते हैं क्या सवाल पूछा गया। क्वेश्चन नंबर टू, स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स दैट आर ड्राइड प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड ऑन शीट्स, ऑप्शन दिया गया यहाँ पे। एक्चुअली ये किसको इंडिकेट कर रहा है? ये हर्बेरियम को इंडिकेट कर रहा है। अब हर्बेरियम के लिए आप इंपॉर्टेंट लाइन खोज दीजिए, टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे? ओके जल्दी से बता दीजिएगा, टू का C। सैयद मीरान जी, वैभव जी, हुमायरा जी, विगौर त्रिनाथ जी, वेरी गुड। तो टू का क्या हो जाएगा यहाँ पे? टू का C हो जाएगा, बिकॉज हर्बेरियम सर्व्स एज ए क्विक रेफरल सिस्टम इन द टैक्सोनॉमिकल स्टडीज, वेरी गुड। ना आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या सवाल है? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए द प्लाज्मिड वेक्टर इज क्लीव्ड बाई, अगेन एनसीईआरटी पूरा बेस है एकदम बायोटेक का। चलिए बताइए प्लाज्मिड जो वेक्टर है उसको कैसे कट किया जाता है? प्लाज्मिड वेक्टर याद रखिएगा, सपोज आपके पास ये एक डीएनए है जिसको इंसर्ट करना है, ठीक है, आपके पास एक प्लाज्मिड है यहाँ पे, उसको दोनों पे ही याद रखिएगा, इस प्लाज्मिड के अंदर इसको अगर आपको घुसाना है तो सेम आरी डालोगे, क्या डालोगे? सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तभी वो कॉम्प्लीमेंट्री कटिंग लगा पाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 का क्या होगा भाई साहब? 3 का D हो जाएगा। यस वेरी गुड, 3 का क्या हो जाएगा भाई? 3 का D हो जाएगा। आइए आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तुम्हारे स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 4 आ गया गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच्ड पेयर ऑफ डिजीज एंड इट्स रिलेटेड सिम्टम, क्या हो जाएगा इसमें? कौन सा मिसमैच पेयर है? जल्दी से बता दीजिएगा यहाँ पे, मिसमैच पेयर कौन सा है? आइए देख लेता हूँ मैं यहाँ पे, मैं पिन कर दूँ क्या इसको, एक सेकेंड। तो आपको पता है फिनाइल क्यूटोनोरिया में लिखा है यूरिन टर्न्स ब्लैक, ये तो गलत है। ये किस में होता है यूरिन टर्न्स ब्लैक? ये एल्केप्टोनूरिया में होता है। किस में होता है?
अल्कैप्टोनूरिया में होता है, ठीक है, अल्कैप्टोनूरिया में हो जाता है, लिख लीजिएगा। अब आगे होमोजेंटिसिक एसिड जो हो जाता है उसका डिपोजिशन वाला आपने पढ़ा होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आ गया आपके स्क्रीन के सामने। डैश प्रपोज द ओपेरॉन मॉडल ऑफ जीन रेगुलेशन। आपको पता है ओपेरॉन मॉडल किसने प्रपोज किया था? ओपेरॉन मॉडल किसने प्रपोज किया जी? जैकॉब एंड मोनार्ड ने प्रपोज किया। तो आंसर 5 का ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ आगे बढ़ते हैं। क्रॉस ब्रीडिंग ऑफ विच रैम विथ बिकानेरी ईव गेव राइज टू हिसारडेल। अब ये तो शायद आपको पता है हिसारडेल बनाने में क्या लगा था, बिकानेरी ईव और मरीनो रैम। तो आंसर विल बी नंबर बी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया तुम्हारे स्क्रीन के सामने। जर्मिनेटिंग बार्ली ग्रेन्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ। बार्ली ग्रेन्स क्या चीज के प्रिपरेशन में यूज हो रहे हैं जल्दी से बता दीजिएगा। जर्मिनेटिंग बार्ली ग्रेन्स आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ, आपको पता है बियर के प्रिपरेशन में तुमको माल्टेड सीरियल्स एंड ऑल लगते हैं। तो आंसर भी नंबर डी, बियर का प्रिपरेशन। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया क्या? आइए देखते हैं। रिगार्डिंग मिलर्स एक्सपेरिमेंट फाइंड द करेक्ट मैच। टेम्परेचर इस 80 डिग्री नहीं 800 होता है ना सर, 800 डिग्री सेल्सियस। गैसेस कितने हो जाएंगे यहाँ पे? ऑक्सीजन क्या कर रहा है? गलत है ये भी। एनर्जी सोर्स वाज द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, ये सही है। वॉल्यूम ऐसा था क्या? नहीं था। एनसीईआरटी में जो है उस चीज को याद रखो तो आप एकदम सही करने वाले हो, रिमेंबर दिस। आइए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ गया है, आइए देखते हैं। हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी, याद आ रहा है डीडीटी किससे रिलेटेड था? बायो मैग्निफिकेशन से रिलेटेड था, अगर आपको याद है बायो मैग्निफिकेशन है। तो यहाँ पे कौन सा चीज का मेटाबॉलिज्म में दिक्कत आता है? कैल्शियम, जिसके कारण बर्ड्स का जो शेल होता है ना, बर्ड्स का जो शेल हो जाता है वो थिन हो जाता है, तो थिनिंग हो जाती है, थिनिंग ऑफ एग शेल। याद है THAW? ओके, थिनिंग ऑफ एग शेल याद रख लीजिएगा, बिकॉज ऑफ एंजाइम कैल्शियम एटीपीएस का प्रॉब्लम हो गया वहां पे। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे स्क्रीन के सामने आ गया, ग्राफ्टिंग से रिलेटेड। ग्राफ्टिंग इज नॉट सक्सेसफुल इन मोनोकॉट बट इट इज सक्सेसफुल इन डाइकॉट। वाई मैन? मोनोकॉट में सक्सेसफुल नहीं है बट वो डाइकॉट में सक्सेसफुल है, क्यों? ऐसा क्या रीजन है भाई, जल्दी से बता दीजिएगा। बिकॉज डाइकॉट के पास कैम्बियम है सेकेंडरी ग्रोथ के लिए एंड मोनोकॉट लैक कैम्बियम, याद रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ गया। विच इज करेक्ट मैच, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी सहेली तो लिप्स लूप बोलते हैं भाई, मैं जॉब छोड़ दूं तो आंसर क्या होता था इसका? लिप्स लूप होता था। कॉपर रिलीजिंग में लिप्स लूप क्या कर रहा है यहाँ पे? तो मल्टी लोड 375 CUT लगा, CU7 कॉपर टी लिख सकते हो आप, है ना। हार्मोन रिलीजिंग में LNG20, ये सही है, एकदम सही है LNG20। ओरल पिल आपने बहुत सारे अलग नेम सुने हैं, ओरल कॉन्टमाला डी, ये सब सुना होगा आपने आई गेस, नहीं सुना मैं पढ़ा दूंगा आगे। आइए क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी मेगास्पोर मदर सेल आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 एग्स ड्यूरिंग मियोसिस। मियोसिस में 100 एग प्रोड्यूस करने के लिए भाई जल्दी से बता दो मुझे कितने MEMC चाहिए? 100 एग, याद रखिएगा, एक MEMC से एक एग आ रहा है अल्टीमेटली। एग सर? एग तो नहीं, ओके एग एक ही होगा क्या सर? हाँ एग तो एक ही होगा, कैसे? तुम मुझसे पूछ सकते हो सर एग तो नहीं पढ़ा था मैंने, मैंने तो एम्ब्रायो सैक पढ़ा था। ओके, अब वो एक एम्ब्रायो सैक जो बन रहा था, याद आ रहा है कुछ ऐसा तुम ड्रॉइंग पढ़ते थे, उसमें एक ही तो एग सेल पढ़ते थे, राइट? तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, जल्दी से मुझे बता दीजिए, क्या लगता है क्या होना चाहिए फिर? ऑब्वियसली ए ही होगा आंसर। क्वेश्चन देखो ट्विस्टेड था, अगर बहुत लोग क्वेश्चन नहीं समझेंगे आंसर तो एक ही आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे सवाल है, हाउ मेनी ऑफ द कॉम्पोनेंट आर बायोटिक कॉम्पोनेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। बायोटिक लिविंग कॉम्पोनेंट, याद करिए आपने पढ़ा था इकोसिस्टम में बायोटिक अबायोटिक, तो आपसे पूछा बायोटिक कॉम्पोनेंट। सॉइल इज बायोटिक नॉट एट ऑल, पैथोजन इज बायोटिक, तो एक सही मिला। टेम्परेचर अबायोटिक आ रहा है, एयर अबायोटिक, लाइट अबायोटिक, स्लोप अबायोटिक, वाटर अबायोटिक, डिकम्पोजर सर बायोटिक, तो दो मिल रहे हैं तेरे को यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट। तो आंसर क्या आ जाएगा? नंबर डी पे लगा देते हैं ताला, और क्या चाहिए? 13 का डी हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्लाइमैक्स कम्युनिटी के बारे में पूछा। क्लाइमैक्स, आओ देखते हैं, क्लाइमैक्स कम्युनिटी मतलब जो एकदम लास्ट में जो कम्युनिटी थी ना, तो वो अनस्टेबल होती है क्या? और वो बिगिनिंग में तो नहीं आई थी? गलत है, ऑलवेज अनस्टेबल, ऐसा तो नहीं होता है। इट इज द फर्स्ट अनस्टेबल कम्युनिटी, नो इट इज द लास्ट स्टेबल कम्युनिटी, और जो सबसे पहले आई थी कम्युनिटी उसको बोलते हैं पाइनियर कम्युनिटी, याद रहेगा ये लाइन। चलो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 15, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज गलत। तो यहाँ पे गलत कौन सा है, आओ देख लेते हैं। गलती, वुल्फियन डक गिव राइज टू एपिडिडिमिस इन मेल्स, मुलेरियन डक फॉर्म द पेयर ऑफ फेलोपियन ट्यूब यूट्रस सर्विक्स इन फीमेल, बार्थोलिन ग्लैंड्स इन द फीमेल प्रोड्यूस अल्कलाइन फ्लूइड फॉर न्यूट्रलाइजिंग द यूरेथ्रल एक्टिविटी, एसिडिटी लिखा है। और क्या लिखा है यहाँ पे, द प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ लेडिग सेल सिक्रीशन इज FSH। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाना है, अगर आपको ये सारे स्टेटमेंट नहीं पता है तो आपको लास्ट वाला स्टेटमेंट पता होगा। यस, ये एनसीईआरटी में दिया है लास्ट स्टेटमेंट, इसीलिए मैं क्वेश्चन उठाया। क्यों? बिकॉज आपको पता है प्राइमरी रेगुलेटर ऑफ लेडिग सेल इज, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एल फॉर एल, तो यहाँ पे LH आना चाहिए था, नॉट FSH। LH का दूसरा नाम ICSH भी आ जाता है, कभी कभी लिखा रहता है, ठीक है, तो यहाँ LH होता है, नॉट FSH। तो बाकी तीनों सही थे, दिस वन इज अ रॉन्ग फेलो। क्लियर हो गया, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, सबसे पहले कौन आंसर देगा, लेमिसी स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म इज, क्या होना चाहिए 16 का, माइकोप्लाज्मा। क्यों भाई, लिविंग ऑर्गेनिज्म पूछा, इंटरमीडिएट्स नहीं पूछा आपको, बिटवीन लिविंग नॉन लिविंग वाला। आइए क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ रास, रास सिस्टम का इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होगा इसमें, JGA सेल, प्लाज्मा सेल, ग्लोमेरुलस या एरिथ्रोपोइटिन। इफ यू नो दैट JGA जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस इज एन इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ रास, रेनिन निकल रहा था यहाँ से, तो आंसर विल बी नंबर ए। क्लियर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें मैचिंग करना है, आओ मैचिंग करते हैं। स्टर्नम, ग्लिनॉइड कैविटी, प्री मूवेबल ज्वाइंट और कार्टिलेजनस ज्वाइंट, एलिमिनेट करके आंसर निकालेंगे, डोंट बी इन ए रश। ओके, आपको पता है बी का पेक्टोरियल गर्डल हो सकता है। अब तुम वही सोचो कि ऐसे ग्लिनोइड कैविटी जो है तुम्हारे ह्यूमरस के साथ जो जॉइंट बना रहा है बॉल एंड सॉकेट, उसके अंदर तो ऑब्वियसली साइनोवियल फ्लूइड वाला कुछ रिलेशन हो सकता है। लेकिन तो अब हम क्या करने वाले, दूसरे ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। स्टर्नम आपको पता है फ्लैट बोन है, ठीक है, तो मैंने देखा ए का फोर हम लगा सकते हैं, यहाँ पे एक ही जगह दिया गया तो बी का थ्री होगा मोस्ट प्रोबेबली, तो ऐसे आपको एलिमिनेट करना है यहाँ पे, ठीक है, तो आंसर भी नंबर बी। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं, 18 डन। 19वां नंबर सवाल करते हैं, अगेन एनसीईआरटी और पूछा हुआ सवाल है, इन मेज एंड शुगर केन स्टिल्ट रूट अराइजेस फ्रॉम, स्टिल्ट रूट कहाँ से अराइज होते हैं, इसमें जल्दी से बता देना मुझे। गाइज वीडियो लाइक नहीं हुई यार, वीडियो तो लाइक कर सकते हैं हम लोग 60 जन मिलके, 60 जन मिलके 50 लाइक्स तो पहुंचा ही सकते हैं, क्या लगता है, पहुंचा सकते हैं तो पहुंचा दीजिए। मेज शुगर केन स्टेम स्टिल्ट रूट अराइज फ्रॉम लोअर नोड्स होते हैं, नोड्स से ही तो निकलेंगे। ओके, तो आंसर भी नंबर बी, 19 का क्या हो जाएगा, बी। क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के सामने आ गया है, सीधा सीधी पूछा है तुमसे, कार्डियोवास्कुलर सेंटर कहाँ पे होता है, कार्डियोवास्कुलर सेंटर तुमको पता है, सेरी, किसमें, सेरिब्रम, नो गलत कर दिया तुमने, पॉन्स, नो नॉट एट ऑल, लेफ्ट एट्रियम, कार्डियोवास्कुलर सेंटर्स, नॉट एट ऑल, क्या बचा फिर यहाँ पे, अब क्या बचा, मेडुला, सर मेडुला लगा देते हैं, मेडुला ऑब्लॉन्गाटा में हमने पढ़ा था कि कार्डियोवास्कुलर सेंटर होता है, कितना सही आंसर कर दिया तुमने, सोचो बचते 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 तुमने सही आंसर कर दिया, रेस्पिरेटरी सेंटर्स भी होते हैं यहाँ पे। आइए क्वेश्चन नंबर 21, ये थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा आपको, मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, आप मुझे पहले यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। स्पोरोफाइट इन लिवर, व्हाट इज मोर इलाबोरेट देन दैट इन मॉसेस, सेल्विनिया इज हेटरोस्पोरस, लाइफ साइकिल इन ऑल सीड बियरिंग प्लांट इज डिप्लॉन्टिक, पाइनस में मेल और फीमेल कोन्स आर बॉर्न ऑन डिफरेंट ट्रीज। अब इसमें आपको बताना दो रॉन्ग स्टेटमेंट, तो चलिए आपको तो ऑप्शन देखना भी पड़ेगा ना, ऑप्शन भी देखना पड़ेगा, तो चलिए मैं आपको ऑप्शंस दिखा दे रहा हूँ, अब बताओ यहाँ पे क्या गलत है। चलो ऑप्शंस दिखा दिया, अब ऑप्शंस दिखा दिया तो आप जल्दी से मुझे मार्क करके बता दो क्या हो जाएगा आंसर, तो आप एलिमिनेट करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, एलिमिनेट, सेल्विनिया इज हेट्रोस्पोरस, आपको पता है सेलाजिनेला एंड सेल्विनिया आर हेट्रोस्पोरस, तो बी नंबर तो करेक्ट है, आपसे पूछा रॉन्ग है, तो आप क्या करने वाले हो, बी को एलिमिनेट कर दोगे, तो यहाँ से भी एलिमिनेट कर दो ना, और तुमको पता है क्योंकि बी तो करेक्ट है ना, पाइनस में मेल और फीमेल कौन क्या हो जाता है, सेम प्लांट के अंदर बोन होते हैं, आपको पता है पाइनस मोनोशियस, तो डी वन इज रॉन्ग, तो डी तो गलत है, तो ए और डी मिल गया, कितना जल्दी निकाल लिया आंसर आपने। आइए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ कर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या सवाल है, विच ऑफ दीज कॉजेज रूट इनिशिएशन फ्रॉम द कट एंड ऑफ द स्टेम, रूट इनिशिएशन के लिए तुमको क्या चाहिए भाई, जल्दी से मुझे बता दो रूट इनिशिएशन के लिए क्या चाहिए। ओके मार्क कर दो फिर मैं देख पाऊंगा यहाँ पे, तो 22 का सी हो जाएगा, दोनों ही चलेगा, क्यों, बिकॉज दोनों ही तो ऑक्सीन है, दोनों ही तो ऑक्सीन है। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 आ गया आपके स्क्रीन के सामने। क्या सवाल है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, आपको पता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इज प्लाज्मिड, राइट? और क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, ये भी एनसीईआरटी है, लिखा गया है, हु फर्स्ट रिपोर्टेड दैट प्लांट्स प्यूरिफाई फाउल एयर। प्लांट्स फाउल एयर को प्यूरिफाई करते हैं, सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था? क्या लगता है किसने किया था 24 का? जोसेफ प्रेसली ने किया था, ऑक्सीजन डिस्कवरी एंड ऑल, ये वाला। तो आंसर भी नंबर बी, 24 का बी। भाई क्वेश्चन नंबर 25 तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ रहा है, एक सेकेंड। अभी ठीक है, हाँ जी आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 25 बताना। ओके, इसमें से कौन सा रेडॉक्स रिएक्शन से एसोसिएटेड है? आपको पता है आयरन एंड कॉपर, तो आंसर भी नंबर सी। ओके, इलेक्ट्रॉन को लेना देना करना है ना। आई क्वेश्चन नंबर 26 करते हैं। इन लंग्स देयर इज अ डेफिनेट एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन आरबीसी एंड प्लाज्मा, रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द ब्लड इन्वॉल्व्स। अभी इसमें थोड़ा सा नॉलेज का सवाल है। जब आप CO2 को हटा रहे हो ना ब्लड से, याद करिएगा ये एल्वियोले के पास जाके काम होता है। अब क्या हुआ होगा, आरबीसी आए थे और यहाँ पे बाइकार्बोनेट आया था। अब बाइकार्बोनेट कैसे CO2 में कन्वर्ट होगा? उस टाइम में ये वापस जाता है आरबीसी के अंदर और आरबीसी से क्लोराइड आयन बाहर आता है। जब ये काम हो रहा है ना, वह ये वापस जा रहा है CO2 बनने के लिए, ठीक है, और यहाँ से क्लोराइड आयन निकल रहा है, तो इसको बोलते हैं रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। अब तुम पूछोगे फिर क्लोराइड शिफ्ट कहाँ हुआ था? ये एट द लेवल ऑफ टिश्यू हुआ था, तो लिख लीजिएगा RCL, मतलब रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, RCS। ये जो रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट है, एल्वियोलस के लेवल पे हो रहा था और टिश्यू लेवल पे क्लोराइड शिफ्ट हो रहा था, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा, मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है ये। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे रिवर्स हुआ था, ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो आपको CO2 को आप क्या कर रहे हो, हटा रहे हो ना। चलिए आइए आगे बढ़ जाते हैं। आओ आगे, क्योंकि तुमको एल्वियोले के लेवल पे बोला है CO2 को तुम हटा रहे हो ब्लड से। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने आ रहा है, इसीलिए इसमें आंसर घुमा है, ध्यान दिया आपने? आओ ये सवाल थोड़ा सा पढ़ो, मैं चाहे तो आपके लिए ऑप्शन एलिमिनेट कर देता हूँ, सी नंबर ऑप्शन को हटा दिया मैंने। अब चलिए एक बार एक बार, अब आप बताओ यहाँ पे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, क्या पूछा आपसे? सेकेंडरी मेटाबोलाइट बिलोंगिंग टू द सेम कैटेगरी, आपको नहीं पता मैं बता देता हूँ, टॉक्सिन के अंदर आ जाते हैं, एब्रिन और राइसिन, ए और डी हो जाते हैं टॉक्सिन के अंदर। एब्रिन फ्रॉम एब्रस प्रिकाटोरियस, राइसिन, हाँ वी ऑप्टेन राइसिन फ्रॉम क्या हो जाएगा, रिसिनस कम्युनिस। नाउ आइए एक और सवाल आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 28, बाइवेलेंट के बारे में पूछा है। बाइवेलेंट्स आर फॉर्म्ड, ओके, इन बाइवेलेंट्स कैसे, कब बनते हैं भाई बाइवेलेंट्स, जल्दी बता दो, बाइवेलेंट इन द जाइगोटीन, लगा दिया। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 29 क्या सवाल है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या फिर आर करेक्ट फॉर केमिकल साइनेप्स। बहुत इजी सवाल है, आपको दिख रहा है ना सवाल, मुझे कंफर्म कर दो। देखो ऐसे सवाल बनाने चाहिए, अगर आप ऐसे नहीं बना रहे हो तो मोस्ट प्रोबेबली आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। आओ देखते हैं, यहाँ लिखा है प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर सेपरेटेड बाई फ्लूइड फिल्ड साइनेप्टिक लेफ्ट। चलो हाँ, उसमें साइनेप्टिक लेफ्ट तो होता है, तो ये तो सही लग रहा है। बाई डायरेक्शनल कंडक्शन ऑफ इम्पल्स डजेंट अकर, बेसिकली डज नॉट अकर, ठीक है, लिख लेना यार, ये गलत है। तो टू नंबर तो गलत हो गया, तो अब जहाँ जहाँ ऑप्शन में टू दिया उसको काट दें क्या? टू दिया, टू दिया मतलब कट ही गया ये दो ऑप्शन। अब बचा तेरे पास दो ऑप्शन, तेरे तुमने बोला वन वाला सही है, तो ऑब्वियसली वन, और क्या हो जाएगा, थ्री वाला, तब क्योंकि एक ही ऑप्शन में वन लिया है ना, तो वन थ्री सही हो गए। अब देखो यहाँ पे लिखा है द मेम्ब्रेन ऑफ प्री एंड पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन्स आर इन क्लोज, उतना ज्यादा क्लोज नहीं रहते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक साइनेप्स। इलेक्ट्रिक साइनेप्स में ज्यादा क्लोज रहते हैं क्योंकि वहां पे उनको डायरेक्टली आयन्स को भेजना पड़ता है, उधर पे इलेक्ट्रिक साइनेप्स में कोई भी न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं होता एक्चुअली, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 तुम्हारे स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आ गया। विच ऑफ द फॉलोइंग हॉर्मोन सिक्रीटेड फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी हैज डायरेक्ट एक्शन ऑन द बॉडी रेदर देन हैविंग एनी ऑर्गन और अदर ग्लैंड। ओके, हैविंग एक्शन ऑन अदर ग्लैंड, बेसिकली क्या हो जाएगा आंसर? किसी एक फिक्स पे नहीं है, पूरे बॉडी पे एक्शन है ग्रोथ हार्मोन का, लिख लीजिएगा ग्रोथ हार्मोन इज द आंसर ऑफ चॉइस। नाउ क्योंकि आपको पता है सबका अलग अलग काम हो जाता है, ये जा रहा है मिल्क के लिए, लेक्ट ये तुम्हारा मेमरी ग्लैंड पे जा रहा है, FSH बोल रहा है भाई हम सेक्स ऑर्गन के पास जा रहे हैं, ACTH एड्रेनल कॉर्टेक्स के पास जा रहे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 31 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या सवाल है? जेड लाइन बाइसेक्ट्स, जेड लाइन कौन से बैंड को बाइसेक्ट करता है, जल्दी बता दो। आई बैंड को करता है ना, तो आंसर विल बी नंबर डी। आई क्वेश्चन नंबर 32, अगर गाइज आज आप आए हो क्लास में और ये सवाल नहीं सीख के जा रहे हो या नहीं बना रहे हो, बहुत बड़ा मेजर लॉस हो रहा है आपको, तो ये वाला जरूर बनाइएगा।
एक मेंडेलियन डाईहाइब्रिड क्रॉस है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सीड्स विद जीनोटाइप दिस 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 एंड दिस इज डैश। ये आप निकाल भी सकते हो, पता है बहुत इजी है निकालना, लिटरली बहुत इजी है। मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया है ये फ्री क्लासेस में अनअकैडमी पर, मैं वापस सिखा दे रहा हूँ आपको। यहाँ लिखा कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, याद रखिए बस। आपको अगर डाई हाइब्रिड क्रॉस लिखा है और F2 का पूछ रहा है, मतलब अल्टीमेटली तुमको पता है F1 ऑफस्प्रिंग आया हेटरोजाइगस, उसकी सेल्फिंग करवाई गई थी, तब F2 में तुमको ये रेशियोज पूछे हैं। आओ लिखते हैं, याद रख लो ये दो चीट कोड है। हेटरोजाइगस के लिए तुम हमेशा 2/4 यूज करोगे, और होमोजाइगस के लिए चाहे वो डोमिनेंट हो या फिर क्या बोलते हैं रिसेसिव, अगर होमोजाइगस है तो 1/4। अब लिखना स्टार्ट करो, यहाँ पे ये हेटरोजाइगस है तो इसके लिए क्या लिखोगे? ओके, तो इसको लिख देते सर 2/4 ही लिखते हैं। ये होमोजाइगस है इंटू 1/4 इज 2। अब ये क्या, ये हेटरो ये हेटरो दोनों के लिए 2/4 इज 2 इंटू 2/4। क्लियर? नेक्स्ट वाला है ये वाला, इसके लिए लिख देते हैं यहाँ पे 1/4 इंटू 2/4। ओके, नेक्स्ट वाले के लिए अगेन क्या लिखना है इसमें, 2/4 इंटू 1/4। अब इसको एक बार कैलकुलेट कर लो, तो 2/16 इज टू 4/16 इज टू 2/16 इज टू कितना हो गया, 2/16। अब देखो यहाँ पे आप इसको थोड़ा सेटल कर सकते हो, जब इसको काट रहे हो तो यहाँ पे 1/8 आ सकता है, तुमको लगेगा ये होगा आंसर। इसके बाद वाले देख लो 4/16, तो ये भी 4/16 का आ रहा है शॉर्टेस्ट फॉर्म। 2/16 को जब काटते हो तो 1/8 आता है, यहाँ लिखा है 2/8, गलत हो गया ना ये, तो ऑब्वियसली गलत। तो आपको दिख रहा है 1/8 आ सकता है, 2/16 को अगेन काटोगे 1/8 आ गया ना ये, क्या बोलते हो जी? इतना इजीली आंसर निकाल लिया आपने, इतना इजीली आंसर, तो आंसर भी नंबर है। तो ये सब चीट कोड्स आपके बहुत काम आने वाले हैं, सो ये चीट कोड्स को मत भूलिएगा, ठीक है? बहुत सारे सवाल ऐसे बन सकते हैं आपके। आइए क्वेश्चन नंबर 33 करते हैं। द मोस्ट प्रिमिटिव एंसेस्टर ऑफ ह्यूमेनिस, सबसे पुराना कौन सा लग रहा है, आप ही मुझे बता दो यार ये वाला। आइए तो इसमें एकदम जल्दी से बता दे इसका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है? 33 का सी या डी? सबसे पुराना तो डी है ना भाई, सबसे पुराना पूछ लिया भाई, बहुत पुराना तो रामा पिथेकस हो जाता है, सबसे पुराना है भाई। आओ आगे बढ़ जाते हैं, नाउ क्वेश्चन नंबर 34 करते हैं। 34 ये तो रिपीटेड सवाल है, मोस्ट रिपीटेड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट ओजोन और पैन होता है, तो आंसर भी नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, माइग्रेशन ऑफ कैंसरस सेल। अब याद है, मान लो किसी को कहीं एक बॉडी के एक पार्ट में कैंसर हो गया, ठीक है? एक पार्ट में किसी को कैंसर हो गया, चलो अज्यूम करिए, ठीक है, इनके इस साइड प्रोस्टेट में हो गया था, ठीक है, मतलब प्रोस्टेट के एरिया पे हो गया। अब वो जाके वर्टिब्रल कॉलम में पीछे की तरफ चला गया, तो अल्टीमेटली यहाँ से वहां फैला, फिर वहां से और भी कहीं जा सकता है, या किसी को मान लो ब्रेस्ट कैंसर हुआ, वो वहां से ओवेरी पे आ गया, है ना? तो अल्टीमेटली इसको बोलते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है, मेटास्टेसिस बोलते हैं, याद रखिएगा। 35 का डी, चलो ओके, आ जाओ आगे बढ़ जाते हैं। कौन सा यार, 33 का, 33 देख यहाँ पे, तो पता है अपन है ना जो पुराने क्वेश्चन करते हैं ना, उसमें हमेशा एक लाइन रहता है द डायरेक्ट एंसेस्टर, ठीक है, उसमें आपको ऑप्शन दिया जाता है, तो याद रख सबसे पुराना क्या था। बचपन में पढ़ा है हम लोगों ने शायद क्लास 12 में, ओके, तुमको तुमने शायद पढ़ा है कि भाई साहब ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, रामापिथेकस वाज मोर मैन लाइक, ये तो शायद पढ़ा ही पढ़ा है। अगर ये नहीं पढ़ा तो मैं बिलीव नहीं कर सकता कि भाई नहीं पढ़ाई की है तुमने, मोर मैन लाइक। और जितने भी तुम क्वेश्चन देते हो, मैं आई कैन बेट ऑन इट, उसमें रामापिथेकस ऑप्शन में नहीं रहता है, ठीक है, इसमें दिया गया था, ठीक है, इसीलिए तो एनटीए के क्वेश्चन है ना। आइए आगे बढ़ जाते हैं, और इसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है डायरेक्ट एंसिस्टर, वायरेक्ट एंसिस्टर, मोस्ट प्रिमेटिव बोला है। अब आगे बढ़ जाते हैं, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनकरेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू पार्चुरिसन। नॉट इनकरेक्ट, इसमें बोला नॉट इनकरेक्ट मतलब सही, तो आजा सही बता दे यार जल्दी से, क्या लगता है सही कौन सा है? अच्छा पढ़ ले, सिग्नल फॉर पार्चुरिसन ओरिजिनेट फ्रॉम फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा, बोल रहा है एम आई ये जोक टू यू, गलत हो गया ना। रिलैक्सिन, चलो हार्मोन, ठीक है, हम थोड़ा देर रखते हैं इसको। थायरोक्सिन पार्चुरिसन, ओके, ऑक्सीटोसिन अगेन बोल रहा है एम आई ये जोक टू यू, ये सब बहुत सारे लोग हैं, और भी है उसमें न्यूरोएंडोक्राइन में और भी बहुत सारे लोग हैं। HCG बोलता है लेबर पेन, वो HCG बोल रहा है मैं तो स्टार्टिंग में था, यहाँ क्या कर रहा हूँ मैं, तो आंसर भी नंबर बी, एलिमिनेट करिए, एलिमिनेट एकदम एलिमिनेशन। आओ एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इनफ्लोरेसेंस में बोला बॉर्न लैटरली एक्रोपिटल, बस कहानी खत्म, रेसिमोज हो रहा है अल्टीमेटली, है ना? क्यों? क्योंकि बेसिपिटल में साइमोज होता है, रेसिमोज में तुमको यंगेस्ट कहाँ मिलेगा, डिस्टली मिलेगा। आगे आंसर, आजा आगे बढ़। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा गया है। अब ये वाला बता देना, इसमें ये वाला बढ़िया सवाल है, जल्दी से।
ओके, ये वाला मार्क करके आंसर बता दे। ओके फास्टर। आज और भी बहुत सारा काम है गाइज, अगर आपने पढ़ा नहीं है ना थोड़ा सा, तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आपकी वहाँ पे। आओ आगे बढ़ते हैं। 38 का बता देना, रिवर्सिबल है क्या? आज लंबे हो गए कल छोटे हो जाओगे। बैकवर्ड मतलब बूढ़े पैदा हुए बच्चे बन रहे, वैसा तो नहीं होता ना, तो यूनिडायरेक्शनल फॉरवर्ड प्रोसेस होता है। काइंडली अपडेट। ओके आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, बढ़िया सवाल। बढ़िया सवाल, सवाल की कैटेगरी में एक और सवाल शामिल होता हुआ, द हैप्लॉइड मोनोप्लॉइड क्रोमोजोम एंड द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन ट्राइजोमी। ठीक है, 6n = 42 लिखा है। याद रखिएगा, जब भी आपसे हैप्लॉइड का जिक्र हो, जितना दिया उसका हाफ करना इज हैप्लॉइड। सिंपल भाषा में बता रहा हूँ, ठीक है? मतलब इसका जो मेन प्लांट बॉडी 6n है ना, मतलब अगर मैं अज्यूम करता हूँ 2x, तो 2x इसका 42 है, तो इसका x मतलब हैप्लॉइड कंटेंट आधा कर दो तो 21 हो जाता है इसका हैप्लॉइड कंटेंट। कितना जगह दिया है? 3 जगह दिया है। मोनोप्लॉइड होता है, जितना दिया है इसका प्लॉइडी उससे यहाँ पे डिवाइड कर दो, तो इसका मोनोप्लॉइड n की वैल्यू आ जाएगी। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 7 हो गई। 1 2 3 तीनों जगह दिया भाई, अब तो घोर समस्या। ट्राइजोमी पूछा है, ट्राइजोमी का मतलब होता है भाई 2n+1, मतलब ये 2n का मीनिंग क्या होता है? जो ओरिजिनल प्लांट बॉडी या जो सोमाटिक सेल की जो प्लॉइडी अल्टीमेटली, ठीक है, तो इसमें प्लॉइडी कितनी दी गई है? 6n = 42। तो यहाँ पे आपको अपडेट करना है नॉलेज को कि भाई 42+1, क्योंकि तुमको फॉर्मूला पता है ट्राइजोमी का, 2n+1 जितना उसका नॉर्मल है, ठीक है, क्रोमोजोमल कॉन्स्टिट्यूएंट। जैसे हम लोगों इंसानों में क्या होता है, हम लिखते हैं 2n = कितना लिखते हैं, 46, ठीक है। हम क्या करते हैं ट्राइजोमी में, 2n+1 मतलब 46+1 47, तो सेम कहानी इसमें करो ना, 42+1 43। तो आंसर क्या बचा? नंबर बी बचा। ऐसे करना है आपका एलिमिनेशन, बहुत इजी है गाइज ये सब प्रोसेसेस। आओ एक और सवाल करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ी है तो आंसर दे दोगे। ऊपर का स्टेटमेंट लिखा है कि भाई स्पिरिचुअल नीड के लिए चाहिए, स्पिरिचुअल नीड के लिए चाहिए, मोरल ड्यूटी के लिए चाहिए। तो ये जो तुम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए ये तर्क रख रहे हो, ये एथिकल आर्ग्यूमेंट है ना, एथिकल है। ओके और क्या है सर यहाँ पे? एक और लिखा है, फॉर डायरेक्ट पैसे के बेनिफिट के लिए, पैसे खाना का बेनिफिट के लिए नैरो यूटिलेरियन आ गया, तो आंसर विल बी नंबर ए, इजी हो गया। आओ आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 41 करते हैं। ये गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट तुमने पढ़ा है, तुमने गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट की पढ़ाई की है आई गेस। गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट कर दिया तुमने, यहाँ से हटा दिया तो नीचे फ्लोएम से खाना नहीं पहुंचा, तो कौन पहले मरेगा? रूट डाइज फर्स्ट, यही है ना। आओ आगे बढ़ जाते हैं, 41B। क्वेश्चन नंबर 42 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या सवाल है? स्पोर ऑफ बीटी, ओके स्प्रे, ओके मेरी भी आंखें थोड़ी कमजोर हो गई क्या? स्प्रे ऑफ बीटी स्पोर प्रोटेक्ट सर्टेन फ्रूट डिजी, ओके फ्रूट ट्रीज अगेंस्ट। याद रखिएगा, इंसेक्ट का लार्वा जब खाते टाइम स्पोर को लिया, अंदर गया बस मर गया लार्वा, लार्वा बोलता है अब अच्छा चलता हूँ और नहीं खाऊंगा, तो आंसर भी इंसेक्ट लार्वा हो जाएगा। काइंडली अपडेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 43 करिएगा। क्वेश्चन नंबर 43, फर्स्ट रिएक्शन इन द फोटोसिंथेसिस। सुबह सुबह पत्ता बोल रहा है, ओ सूरज जी लाइट तो भेजो, लाइट भेजा, क्लोरोफिल एक्साइटेड एकदम, ओके एकदम एक्साइटेड, तो आंसर भी नंबर बी हो जाएगा, लिख लीजिएगा, क्लोरोफिल एक्साइट हो गया। आओ ओके, क्वेश्चन नंबर 44, द फेगोसाइटिक WBC इन द ब्लड। फेगोसाइटिक का मीनिंग क्या हो जा रहा है? दूसरे लोगों को खा जा रहे हैं, राइट? मतलब फॉरेनर, फॉरेनर जो दुश्मन है समझ रहे हैं उनको खा रहे हैं ना, तो PMNL हो जाएगा। PMNL मतलब न्यूट्रोफिल लिख लो, एंड मोनोसाइट्स, तो आंसर भी नंबर बी। ओके क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं, ये भी बढ़िया सवाल है। तो देखो आपके लिए सिलेक्टेड है जो जो NCERT के सिर्फ वही लाए गए हैं गाइस, चिंता मत करो यार, 90 लोग देख रहे हो, वीडियो लाइक की नहीं यार, वीडियो तो अपन लाइक कर सकते हैं ना, 100 लाइक्स तो कम से कम पहुंचा सकते हैं अपन मिलके, इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं, इतनी तो हमें शायद क्षमता है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, यहाँ पे रॉन्ग कौन सा है? तो यहाँ पे आ जाइएगा, रॉन्ग कौन सा लग रहा है? स्ट्रॉ कलर्ड प्लाज्मा, पी फॉर प्लाज्मा, पी फॉर 55, तो 55 ये तो सही जा रहा है। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन, मेजर प्लाज्मा प्रोटीन, ये भी सही लग रहा है। ओके प्लाज्मा के अंदर आयंस भी हो जाते हैं, ये भी सही है। फैक्टर्स फॉर कोगुलेशन प्रेजेंट इन एक्टिव फॉर्म, ये लिखा है इन एक्टिव, दो एक साथ नहीं लिखा है, इन लिखा है उसके बाद स्पेस दे के एक्टिव लिखा है, तो ये तो गलत है ना, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एन इनएक्टिव फॉर्म, इन एन इनएक्टिव फॉर्म, ठीक है, प्लीज अपडेट योर नॉलेज गाइज यहाँ पे, ठीक है, वो इनएक्टिव फॉर्म में रहते हैं। इनएक्टिव एक साथ लिखा हुआ, इनएक्टिव मतलब वो अभी तक एक्टिव नहीं हुए, उनके अंदर पावर नहीं है, सोई हुई पावर है, ठीक है। अब आगे क्यों? बिकॉज याद करिएगा, ब्लड के अंदर वो फाइब्रिनोजन के फॉर्म में घूम रहे हैं, इसका एक्टिव फॉर्म क्या होता है? फाइब्रिन, तो ब्लड के अंदर ये फाइब्रिन के फॉर्म में नहीं घूम रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 करते हैं,
और 15 सवाल के अराउंड है, जल्दी कर लेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म? एक बात बताओ, एक सीधा चेन और एक जाली है, ओके, एक जाली है, पूरा नेटवर्क बैठा हुआ, तो कौन ज्यादा ऑर्गेनिज्म को सपोर्ट कर रहा होगा, चेन या जाली? क्या जाली सर जी, वेब। तो आंसर भी नंबर सी। बताओ इतना इजीली तुमने निकाल लिया। और क्वेश्चन नंबर 47 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस टू विच आरएनए पॉल अटैच टू इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन, क्या होगा इसमें, क्या लग रहा है? द रेगुलेटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चर, जिन प्रोमोटर, लगाइए ताला, आगे बढ़िए सर। ओके, वेट करने का इंतजार का टाइम है? नहीं है। 48 नंबर सवाल, मैक्सिमम ग्रुप, ओके, मैक्सिमम थ्रेट ऑफ एक्सटेंशन, क्या लगता है क्या होना चाहिए? यहाँ पे एक रेशियो था आपको याद है तो, AGMB का क्या था सर जी? एनीवन कोई कमेंट में बताएगा कितना था रेशियो? ओके, जल्दी से मुझे कमेंट में बता दीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रेस्पॉन्सेज। ये तो एम्फीबियन इज द आंसर ऑफ चॉइस, राइट? अब आगे बढ़ जाते हैं, एम्फीबियन, और लास्ट में क्या आ जा रहा है? AGMB, एम्फीबियन, जिम्नोस्पर्म, मैमल, बर्ड्स, वाओ दैट्स सो अमेजिंग, राइट? AGMB इज द चीट कोड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। यहाँ पे पूछा गया न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। न्यूक्लियोटाइड इज मेड अप ऑफ शुगर, ठीक है, प्लस क्या बनता है, नाइट्रोजनस बेस और फॉस्फेट। तो आंसर क्या लग रहा है? फॉस्फेट शुगर, नाइट्रोजनस बेस। आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 भी बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, ऐसे बड़े बड़े सवाल जरूर किया करिए गाइस। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ऑब्जर्व अगर टेम्परेचर ऑफ द स्क्रोटम राइजेस बाई 2 से 3 डिग्री सेल्सियस। अगर राइज हो गया स्क्रोटम का टेम्परेचर, 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो आपको क्या लगता है इसमें क्या होगा? इट डज नॉट हैव एनी इफेक्ट ऑन फर्टिलिटी, टेस्टिस आर पुल्ड इन टू द एबडोमेन, सीधा पेट में चला गया और स्क्रोटम खाली हो गया, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है, इफेक्ट तो कुछ तो पड़ेगा ही, बिकॉज आपको स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए टेम्परेचर कम चाहिए। स्पर्मेटोजेनेसिस इनिबिट हो जाएगा, बिकॉज स्पर्मेटोजेनेसिस को तो टेम्परेचर कम चाहिए बॉडी से, इसीलिए तो नीचे आया हुआ है स्क्रोटम में, तो फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, याद रखिएगा, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको नहीं पता था। आइए, तो सी इज द आंसर ऑफ चॉइस। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओपिएट, जो ओपीएम वाला नार्कोटिक कौन सा नहीं है? एम्फेटामिन एक स्टिमुलेंट है, तो ये ऑब्वियसली ओपिएट नार्कोटिक नहीं है, तो आंसर भी नंबर है। कितना देखते ही निकाल दिया आंसर। आइए, अब इसके लिए एक चीट कोड दिया था, आपको याद है? किस किस को याद है इसका चीट कोड? मैंने क्लास में करवाया था नॉकटर्नल में शायद, ट्रॉक्लियर नर्व। सबसे पहले आप मुझे बताओ ट्रॉक्लियर नर्व कौन सी नंबर क्रेनियल नर्व है, दिस इज इंपॉर्टेंट। अगर आप बता पा रहे हो मुझे ट्रॉक्लियर नर्व कौन सी नंबर क्रेनियल नर्व है, तो आपका आंसर आपके सामने है, ठीक है, जल्दी से बता दीजिएगा सर जी। ओके, ट्रॉक्लियर नंबर, ट्रॉक्लियर कौन सा नंबर है, जल्दी बता दो पहले सर। फोर्थ नंबर है। अब हम लोग पढ़ते हैं सर, इसके लिए चीट कोड ऐसा बनता है, SO4, ठीक है, SO4, SO4 मतलब H2SO4 में पढ़ते हैं, तो SO4 आ रहा है, मतलब फोर्थ नंबर क्रेनियल नर्व सुपीरियर ऑब्लिक मसल को सप्लाई करता है, ऑब्वियसली आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करता है, तो SO4 याद रखिएगा। तो कितना इजी चीट कोड बन के तुमने निकाल लिया। आओ आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या सवाल है? द पी वेव इन एन ईसीजी इंडिकेट्स, पी वेव क्या चीज को इंडिकेट कर रहा है यार, जल्दी बता दो। पी वेव सर एट्रियल डिपोलराइजेशन को कर रहा है, तो आंसर भी नंबर बी। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 54 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? हार्मोन लाइक आयोडोथायरोनिन फंक्शंस बाय, आयोडोथायरोनिन कैसे काम करते हैं यार, जल्दी बता दो। आयोडोथायरोनिन सर याद आ रहा है, आप तो थायरोक्सिन के बारे में पूछ रहे हो, राइट? किसके बारे में पूछ रहे हो सौरभ भैया? थायरोक्सिन के बारे में पूछ रहे हो, तो जल्दी से बता दो यार मुझे, थायरोक्सिन के बारे में पूछ रहे हो यार, वीडियो लाइक नहीं हुई है, तुम मुझे 100 बोला था, तुमने 100 भी नहीं किया, अब तो मैं बोल रहा हूँ 120 तो करो कम से कम, 120, 120 इज आर टारगेट। ओके, आजकल टारगेट पूरे नहीं कर रहे हो तुम लोग। यहाँ पे बताएगा आयोडोथायरोनिन फंक्शंस बाय, इनफैक्ट मैंने पीडीएफ भी दिया तुम्हें, याद करो आज सुबह टेलीग्राम एट द रेट सौरभ लाइव पे जो पीडीएफ दिया था उसके नीचे मैंने आंसर भी टैग कर दिया, इतना कौन करता है बताओ। मैंने आंसर वीडियो की लिंक भी टैग कर दी थी पीडीएफ में, अगर आपने टेली पर ज्वाइन नहीं किया आप ज्वाइन कर सकते हो हमें यहाँ पर एट द रेट सौरभ लाइव, सर्च करोगे मिल जाएगा छोटा मोटा सा एक तो चैनल, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये जो आयोडोथायरोनिन है सेल के अंदर जाते हैं, इंट्रा सेलुलर इनके रिसेप्टर होते हैं, तो आंसर ये डीएनए के साथ कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, HRC हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 करते हैं, एक और बच्चा सा सवाल है। प्लास्टिड प्रेजेंट इन अनइल्यूमिनेटेड सेल, अनइल्यूमिनेटेड मतलब जो लाइट जिनके ऊपर नहीं पड़ रही है, जिनके ऊपर लाइट नहीं पड़ रही है, तो उसमें प्लास्टिड चेंज होके ल्यूकोप्लास्ट बन जाते हैं, बिकॉज दीज फेलोज आर कलरलेस, दीज फेलोज आर कलरलेस, इनका क्लासिफिकेशन सब होता है फॉर स्टोरेज हो गया एंड वो सब के काम में। चलिए
क्वेश्चन नंबर 56, ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाया था। हाँ जी बनाया तो था बचपन में क्लास 11 में। तो ऊपर हमने रखा था CHO, CHO मतलब अल्डिहाइड, और ये टोटल छः छः कार्बन होते हैं, तो हेक्सोज हो गया, और ऊपर अल्डिहाइड का ग्रुप है, तो अल्डो हेक्सोज भी बोल सकते हैं ग्लूकोज को, अल्डो हेक्सोज भी बोल सकते हैं, मतलब अल्डोज हेक्सोज सुगर। कितना इजीली निकाल लिया यार, और क्या चाहिए बताओ। आओ क्वेश्चन नंबर 57 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 अगेन एक प्यारा सा नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है ये, लिख लीजिएगा नेचुरल सिलेक्शन, बैक्टीरिया फिर इंडस्ट्रियल मेलानिज्म। नाउ सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, यहाँ पे गलती कौन सी है, गलती लो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ पे गलती कौन सी है जल्दी से बता दो। क्वेश्चन नंबर 58 में गलती कौन सी है गाइज, ये वीडियो पूरी नहीं देखी है तो पूरी देख लेना, बहुत हेल्प होने वाली है, क्वेश्चन ओपी ओपी है। यहाँ पे गलत कौन सा है जल्दी बता दो। गलत स्पीसीज डाइवर्सिटी इंक्रीजेस, अगर मैं इक्वेटर से कहाँ बोला है, नॉर्थ पोल बोला है क्या, मतलब टुवर्ड द पोल जा रहा हूँ, तो क्या होगी डाइवर्सिटी, तो घटेगी, डिक्रीज होगी, ठीक है डिक्रीज होती है, तो यही गलत है ना। मिल गया आपको आंसर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 करते हैं। सेलेक्ट द मिसमैच, मतलब इतना इजी सी ऑप्शन दिया है, पहला वाली तो मिसमैच है, पीएम होता है पाइन, पाइन इज मोनोशियस हो जाएगा नॉट डायोशियस। नाउ क्वेश्चन नंबर 60 करते हैं। नाम में ही आंसर, द स्मॉलेस्ट एलिमेंट और सब डिविजन ऑफ ए जीन विच कैन बी अफेक्टेड बाय म्यूटेशन, म्यूटॉन बोलते हैं, जो रिकॉम्बिनेशन में जाता है उसको रिकॉन बोलते हैं, और जनरली कोई भी एक स्ट्रक्चरल जीन हो जाता है उसमें सिस्ट्रॉन भी सुना है आपने नाम। नाउ क्वेश्चन नंबर 61, हम लोग एंड ऑफ द क्लास में है गाइज, जल्दी से देखो इस सवाल को क्या होना चाहिए आंसर यार। ओके द सेल वॉल इज एबसेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, सेल वॉल सर उसमें तो पेलिकल होता है, सर जी उसमें तो पेलिकल होता है, क्या लगता है 61 का, ओए 61 का क्या हो जाएगा, 61 जल्दी बताओ मुझे, पेलिकल होता है इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, देर इज ए प्रोटीनेसियस पेलिकल, सी हो जाएगा। आओ आगे बढ़ते हैं, पेलिकल इतना हिंट दे दिया मैंने। आओ एक और सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 62, बस एंड होने वाला है, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है गाइज, और 120 पहुंच गए हमारे लाइक्स, 130 पहुंचा दो कम से कम। देखो कल तक वीडियो एंड होगी तो 200 तो होने चाहिए, अनअकैडमी सेपियंस चैनल को तो पता चले कि नॉकटर्नल सेनाज है, हम लोग मिलके बंधुज लोग हेल्प करते हैं एक दूसरे की। और ह्यूमन ह्यूमन आईबॉल कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर, आपको ठीक है 3 लेयर याद नहीं है, मैं करवा दे रहा हूँ, स्क्लेरा दिख रहा है तुमको सर, तो उसके बाद कोरॉइड वाला लेयर आ रहा है, उसके बाद क्या मिल रहा है, रेटिना वाला मिल रहा है जी। ओके तो 3 लेयर है, 3 लेयर मिलके क्या चीज को अंदर लेके रखे हैं बताओ, क्या लगता है सर, कॉर्निया तो स्क्लेरा का ही एक्सटेंशन हो रहा था आगे की तरफ, तो ये तो नहीं होगा, ठीक है बचा गया लेंस एक्वस वाइट्रस, एकदम बोल सकते हैं। आइए ताला लगाइए मिलके नंबर बी पे, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, लास्ट सवाल, लास्ट सवाल दोस्तों, 63 है ना ये, नंबर ऑफ स्टोन, नंबर पूछा है, नंबर कितना हो जाता है सर, ऑक्टामर पढ़ा है मैंने, ओके अब मैंने मैथमेटिक्स भी पढ़ी है सर, ऑक्टा मतलब कितना होता है सर जी, ऑक्टा का मतलब जल्दी बता दो यार, ऑक्टा का मतलब, ऑक्टा मतलब 8 हो जाता है, तो क्या लगाएंगे, नंबर बोला है तो सर क्या होगा, नंबर के लिए लगाओगे ए, अगर मैं पूछूंगा टाइप, अगर मैं टाइप पूछ लूंगा तो कमेंट में बताना, तो कितने हो जाएंगे, कितने टाइप के, कमेंट में मैं इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, ठीक है चलो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको क्लास लिटरली पसंद आए तो आप मेरे से फ्री क्लासेस और ज़्यादा ले सकते हो, रात को 12 बजे और शाम 7 बजे, ठीक है ये दो टाइम है, मैं अन अकेडमी पर लाइव आता हूँ फ्री क्लासेस लेने, अन अकेडमी के ऐप पर, वहां पर जाके आपको सिर्फ सौरभ शर्मा सर्च करना है, मोस्ट प्रोबेबली स्पेलिंग मेरी सही लिखिएगा जिससे कि मैं आपको मिल पाऊँ वहां पर, SOURAV, इट्स नॉट SA, ठीक है सौरभ शर्मा आप सर्च करिएगा, मिल जाऊंगा, तो आप वहां पे मिलके हम लोग और ज्यादा मस्ती कर सकते हैं गाइज, ठीक है चलो अभी रात को 12 बजे मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइज फॉर द पेशेंस, एंड वीडियो को पहुंचा देना जितने ज्यादा दोस्तों तक हो सके, आप इतना काम कर सकते हो अगर आपको 60 क्वेश्चन में हमारी कुछ मेहनत दिखी हो तो, थैंक यू सो मच।